मार्केट में इन्वेस्ट करें, गारंटीड रिटर्न से लाखों कमाएं, ये लिमिटेड ऑफर सिर्फ आपके लिए। नागिन की आंख में कैमरा फिट होता है। तुम भी क्या बकवास में यकीन करती हो? आप भी तो वही कर रहे हो पापा। शेयर मार्केट में कोई गारंटेड रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ऐसा कोई मैसेज, मेल या एड दिखे तो समझिए गलत है। ऐसे स्कीम निवेशक के साथ धोखा है और कानूनन अपराध भी। कितनी बार तो समझाया आपको। नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं नाना येरांग। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। राजधानी दिल्ली में G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी और सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे दिल्ली। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईस्ट सियांग जिले का किया दौरा। मेबो क्षेत्रों में बांगो सोलुंग उत्सव समारोह को किया संबोधित। कहा, सरकार मॉनसून के दौरान सियांग नदी के बहाव से भूमि के कटाव को लेकर गंभीर। बिलाट में सोलुंग उत्सव समारोह में लोकसभा सांसद तापुर गांव ने लिया हिस्सा। ईटानगर के मारिक अकादमी चिंपू में राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता शुरू। जिला उपायुक्त तालो पोतम ने कहा, सरकार द्वारा स्पोर्ट्स सेक्टर में आधारभूत सुविधाओं के विकास से युवाओं को खेल क्षेत्र में आने के लिए मिल रहा है प्रोत्साहन। राजधानी दिल्ली में G20 समिट के लिए विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला जारी है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना, इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष और यूनियन कोमोरोस के अध्यक्ष अजाली असोमनी सहित कई देशों के प्रतिनिधि नई दिल्ली पहुंच गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के देर शाम नई दिल्ली पहुंचने की उम्मीद है। नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम और सड़कों को राष्ट्रीय अध्यक्षों और प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिनों के दौरान विश्व के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। श्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ आज अपने आवास पर द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जबकि कल G20 बैठकों के अलावा श्री मोदी ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जबकि रविवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ लंच के दौरान बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री का कोमोरोस, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ, यूरोपीय आयोग, ब्राजील और नाइजीरिया के साथ भी द्विपक्षीय बैठक का कार्यक्रम है। राजधानी दिल्ली में भारत पहली बार G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है, जहां कई देशों के डेलीगेट्स G20 के मीटिंग में शामिल होने आ रहे हैं, जिसे लेकर पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरी दिल्ली में सौंदर्यीकरण का काम किया गया है। सभी चौराहों को सुंदर पौधों से सजाया गया है। सौंदर्यीकरण का सबसे अलग और अनोखा दृश्य चाणक्यपुरी के कौटिल्य मार्ग पर देखने को मिल रहा है, जहां सरिया और ऑटोमोबाइल के स्क्रैप से कई कलाकृतियां बनाई गई हैं, जिसमें G20 के सभी देशों के राष्ट्र पक्षी और पशुओं की कलाकृतियों को अनोखे तरीके से दर्शाया गया है। इन आकृतियों को बनाने के लिए 1 टन कवार और लगभग 15 दिन का समय लगा। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान कला और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न कलाओं की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। वही चाक चौबंद, सुरक्षा व्यवस्था और सौंदर्यीकरण भी अहमियत रखता है। अलग अलग देशों से आने वाले मेहमानों की सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी न आ रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस कड़ी में महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट से कुछ तस्वीरें आई हैं, जहां सुरक्षा के साथ साथ दिल्ली के सौंदर्यीकरण पर भी जोर दिया जा रहा है। राजघाट के आसपास के इलाकों में साफ सफाई के साथ साथ सैन्य बल डॉग स्क्वाड के साथ राजघाट के आसपास के इलाकों में गश्त लगाकर सुरक्षा व्यवस्था पर कड़ी नजर बनाए गए हैं।
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार ईस्ट सियांग जिले के मेबो क्षेत्र में मॉनसून के दौरान सियांग नदी में उफान के समय भूमि के कटाव को लेकर गंभीर है और इस समस्या के समाधान के लिए बैरेज का निर्माण जरूरी है। गुरुवार को मेबो में 3 दिन के बांगो सोलुंग उत्सव समारोह के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 23 किलोमीटर लंबे नदी के किनारे के इलाकों की सुरक्षा आसान कार्य नहीं है और केंद्र सरकार की सहायता से सियांग नदी के कटाव से प्रभावित 10 से अधिक गांवों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने राज्य के जनजातीय से अपनी कला और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की अपील की। इस अवसर पर लोकसभा सांसद तापुर गांव, विधायक लोम्बो तायेंग, कालिंग मोयोंग, निनोंग इरिंग, मुख्यमंत्री के सलाहकार तांगोर तापक और पूर्व मंत्री रोदिंग परतिन और बोसिराम सिराम, पूर्व विधायक रालोंग बोरांग तातुंग जामो सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। ईस्ट सियांग जिले के बिलात में आयोजित सोलुंग उत्सव समारोह में लोकसभा सांसद तापुर गांव सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस अवसर पर स्थानीय जनजातीय टोलियों द्वारा प्रस्तुत लोक नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। अपने संबोधन में श्री गांव ने कहा कि सरकार जनजातीय कला और संस्कृति के संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनजातीय बहुल इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य सहित आधारभूत सुविधाओं के विकास की परियोजनाओं को तेजी से पूरा कर रही है। इस अवसर पर विधायक निनोंग इरिंग, जिला उपायुक्त ताई तगु, बॉर्डर अफेयर्स डिपार्टमेंट के सचिव राजीव ताकुक सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। आज बिलात सर्कुल में, बिलात सर्कुल का यहाँ सोलुंग सेलिब्रेशन हुआ है और ये सोलुंग सेलिब्रेशन हर आदि जगह में, हर जिले में हो रहा है, हर सर्कुल में हो रहा है। ये ह्यूमन प्रॉस्पेरिटी के लिए एनिमल और कल्टीवेशन सारा सब खत्म होने के बाद खेती बाड़ी जितना भी हो अच्छा हो, एनिमल अच्छा हो, ह्यूमन बीइंग अच्छा हो और सोसाइटी में शांति बनाए रखे, ये सब को लेके रात भर सोलुंग मिरी जो है कैसे यूनिवर्स को बनाया, कैसे मिथुन को बनाया, कैसे दान आया, राइस को कैसे लाया और ये सब कहानी निर्यात करेंगे। तो इसका शुरुआत आज बिलाद सरकुल में। ईटानगर के मारिक अकादमी चिंपू में राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता शुरू हो गई है। तीसरे राज्य स्तरीय जूडो प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए जिला उपायुक्त तालो पोतम ने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश में सभी खेलों के लिए आधारभूत सुविधाओं के विकास से युवाओं को खेल क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन खेल प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन में हर संभव योगदान दे रहा है। इस अवसर पर ईटानगर नगर निगम के कॉरपोरेटर लोकम आनंद, खेल निदेशक तादर अपा, अरुणाचल जूडो एसोसिएशन के अध्यक्ष तागरु काशा सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। और बच्चा लोग सारा डिस्ट्रिक्ट से आके यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत बड़ा बात है। हम लोग का जनरेशन में, हम लोग का ज़माना में, हम लोग बाहर में जाके पार्टिसिपेट करता था। अभी स्टेट गवर्नमेंट इतना काफ़ी सुंदर फैसिलिटीज़ और प्रोग्राम दे रहा है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट से लेके स्टेट लेवल में पार्टिसिपेट करना है और आगे भी हमने देखा है कि यहाँ नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का प्रोग्राम भी यहाँ ऑर्गेनाइज चल रहा है। स्टेट गवर्नमेंट खास करके स्पोर्ट्स में काफ़ी ध्यान दे रहा है और इसके बदौलत अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा जो एसोसिएशन जो है, जूडो एसोसिएशन जो है, बहुत सुंदर से ऑर्गेनाइज कर रहा है, बहुत सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज कर रहा है। लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत खुश है। हम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सभी को मैं बहुत ही बेस्ट विशेष देना चाहूँगा और उनका माँ पिताजी और उसका समाज को भी, उन लोग का मोटिवेशन, उन लोग का इंकरेजमेंट का वजह से यहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है और आगे हमारा जो स्पोर्ट्स खास करके यहाँ सरकार जो है नौकरी के लिए भी कुछ इसमें परसेंटेज रखा हुआ है, जो इस लाइन में भी, जो भी स्पोर्ट्स लाइन में जाता है उन लोगों के लिए भी फ्यूचर में, फ्यूचर है, स्पोर्ट्स में भी जा सकता है और दूसरा सर्विसेज में भी आ सकता है। अपर सुबनसिरी जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दुमपोरिजो में छात्रों में बुक रीडिंग की आदत डालने के लिए ओपन लाइब्रेरी शुरू की गई है।
राज्य सरकार की सहायता से शिक्षा विभाग के इस कदम से बच्चे ओपन लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म का उपयोग कर ज्ञान अर्जित कर सकेंगे और देश दुनिया के बारे में उनकी जानकारी भी बढ़ेगी। आज देश के महान संगीतकार असम रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका का जन्मदिन है। 8 सितंबर 1926 को असम के सदिया में पैदा हुए भूपेन हजारिका की मृत्यु 5 नवंबर 2011 को मुंबई में हुई। वे संगीतकार, रचनाकार, सुरकार, संगीतकार, संगीत निर्देशक, वाद्य यंत्र वादक, अभिनेता, सिनेमा निर्देशक तो थे ही, साथ ही एक अच्छे कवि, गद्यकार, निबंधकार और नाटककार भी थे। ईस्ट सियांग जिले के कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर भूपेन हजारिका पर FTGA के सहयोग से चित्रकला पब्लिकेशन की पुस्तक का विमोचन किया गया। अपने संबोधन में विधायक कालिंग मोयोंग ने कहा कि डॉक्टर भूपेन हजारिका ने अपने गीतों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों को देश में पहचान दी। आज पासीघाट से और भूपेन जी का नाम को जोड़ा गया है क्योंकि बुक रिलीज आज यह हुआ। पासीघाट ने मेरा विश्वास है कि वो 1981 में भूपेन हजारिका जी आया था, बहुत साल पहले। वही सीट नहीं, उसका अरुणाचल से पहले से ही लगन था और जुड़ा हुआ है और हमारा पूरा नॉबिस के लिए भूपेन हजारिका एक आइकॉन टाइप का था। उस समय अभी का जैसे टीवी नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, कभी कभी ग्रुप फोटो में या पोस्टर में हम लोग आइडेंटिफाई करने के लिए तकलीफ होता था, तो सीनियर बताता जो टोपी पहना है वही भूपेन हजारिका जी है, जो यहाँ में भी टोपी पूरा पिक्चर में है। भारतीय जनता युवा मोर्चा BJYM के अरुणाचल इकाई के अध्यक्ष रितेमसो मान्यो की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने ईस्ट कामेंग जिले के न्यूबू न्यूगुन यरको स्कूल का दौरा किया। उन्होंने छात्रों को जनजातीय रहन सहन में CBSE पाठ्यक्रम के अनुसार सभी विषयों के पढ़ाई के बारे में जानकारी ली। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष ने विद्यालयों के शिक्षकों और छात्रों से संवाद भी किया। लोअर दिबांग वैली जिले के दाम्बुक में आयोजित सोलुंग फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन समारोह में लोकसभा सांसद तापरगांव के विजेता टीमों को पुरस्कार वितरित किया। उन्होंने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है और राज्य के जनजातीय त्योहारों पर खेल प्रतियोगिता के आयोजन से कला और संस्कृति के संरक्षण के साथ ही खेलों से भी युवा जुड़ रहे हैं। दाम्बुक में सिल्वर जुबली सोलुंग फेस्टिवल का ये फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। यहाँ हर साल 1989 से लेके आज तक ये टूर्नामेंट होते आया है, तो आज सिल्वर जुबली फुटबॉल टूर्नामेंट है सोलुंग फेस्टिवल का। और हमारा आदि समाज में जहाँ जहाँ आदि है, इनहेबिटेंट्स है, ये सोलुंग फेस्टिवल प्लस काम फुटबॉल टूर्नामेंट हर गांव में और हर एरिया में हो रहा है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अच्छा खबर है क्योंकि फॉर फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ के लिए और एंटी ड्रग्स के लिए हमारा यहाँ आरसांग सीरम एक यूथ ग्रुप है जिसका नाम है आरसांग सीरम है। इन लोग हर साल इस चीज़ को कंडक्ट कर रहा है। आज दाम्बुक में हो रहा है और अब लोग का सामने में फुटबॉल मैच हो रहा है। इसमें सोसाइटी का एक कोऑपरेशन, सोसाइटी में एक अवेयरनेस, सोसाइटी में एक फ्यूचर्स का एक विजन रखा जाता है कि आने वाला साल भी यही करेंगे, इस टाइप से करेंगे, बेटर देन दिस हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। तो इसलिए मैं सोलुंग कमिटी एंड आरसांग सीरम ऑफ दाम्बुक को बहुत तारीफ कर रहा हूँ कि ये मेरा सेकेंड विजिट है इस फुटबॉल टूर्नामेंट में। हमारे इस बार के टूर्नामेंट का मोटो जो है ड्रग छोड़ो खेल में जोड़ो, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य जो सही रास्ता सही दिशा पर चले। हमारे PhD अपर सुबनसिरी जिले के CDPO कार्यालय में पोक्सो एक्ट के बारे में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया,
जिसमें स्व सहायता समूह की महिलाओं ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर तोनिया नातम, CDPO कीना ताका, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लीगल ऑफिसर तांगा गामलिन सहित कई अधिकारियों ने बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में जागरूक किया। कम उम्र के बच्चों में नशे की बढ़ती लत के मद्देनजर सरकार द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में भी लोगों को जागरूक किया गया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के 54वीं बटालियन द्वारा नाफरा एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से वाइब्रेंट विलेज डिब्बन में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस शिविर में डिब्बिन मेथो चिनलांग बुलू और दिचक गांव के कुल 119 लाभार्थियों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD News अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा, नमस्कार।